मैं इस वक्त रामपुर के स्वार में हूँ। यहाँ पर नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है। आपको बता दें यहाँ पर जो है अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी चुनाव मैदान में है, वहीं हामिद गोल्डन भी चुनाव मैदान में है। मुकाबला जो है बताया जा रहा है, लगातार वोटिंग लोग कर रहे हैं। मुकाबले के भी कुछ आंकड़े पता नहीं लग पा रहे हैं, मगर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शाख दाव पे लगी हुई है। शफीक अहमद अंसारी है तो वहीं हामिद गोल्डन है, उसके बाद अगर बात करा जाए तो शाह आलम भी मैदान में चुनावी मैदान में है। स्वार की जनता क्या चाहती है, क्या चाहती है स्वार की जनता, इस बार क्या बदलाव होगा? स्वार में तो एक तरफा ही इलेक्शन है। किसका चुनाव? शफीक अहमद अंसारी साहब का। आप बताएं। शफीक चेयरमैन मतलब सर उनसे अलावा कोई जीतेगा? विधायक ही वो जीतेंगे। बताया जा रहा हामिद गोल्डन भी मैदान में है, मगर विधायक ही वो जीतेंगे और चेयरमैन ही वो जीतेंगे इंशाल्लाह। आप बताओ भाई किसका चुनावी मैदान, मतलब माहौल किसका बन रहा है? चेयरमैन है अपने। कौन? शफीक। अच्छा, यहाँ शफीक का नाम क्यों ले रहा है, बताइए सर। शफीक है, बढ़िया आदमी है। अच्छा अच्छा, विकास कर रहे हैं, 10 साल से पहले भी है और अल्लाह ने शायद आपके 12,000 से ज्यादा वोट है उनपे। एक तरफा हमने सारा वोट उन्हें दिया, मुकाबले पे कोई नहीं। अब जो दूसरे लड़ रहे हैं दूसरों की बीवी ला कर लड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरों की बीवी? अपनी बीवी नहीं है। अच्छा, वोट कैसे पड़ रहा है यहाँ पर, आपने देखा? वोट बढ़िया पड़ रहा है, कोई परेशानी नहीं कुछ। तो वोट की देखिए, यहाँ की जनता बात करती है वोट की किस तरीके से बढ़िया। अच्छा, इधर आओ, मैं युवाओं से बात करता हूँ, यहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए जरा वोट कैसे पड़ रहा है यहाँ पर? कब प्लेट को शफीक अहमद अंसारी को। शफीक अहमद अंसारी को वोटिंग हो रही है? जी जी। तो क्या लगता है आपको कुछ बदलाव हुआ था? बदलाव आगे भी हो सकता है, अब भी बदलाव हुआ है। तो कुल मिला के शफीक अहमद अंसारी की बात कही जा रही है और सवाल उठता है आखिरकार के वाकई क्या ऐसा काम किया है शफीक अहमद अंसारी ने जिसमें हमेशा लोग यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो शफीक अहमद अंसारी की बात करते हैं। और क्योंकि 10 साल तो उन्होंने जो है लगातार चेयरमैनी करी है, अब भी उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर रेशमा परवीन जो है वो चुनावी मैदान में है। तो कुल मिला के वोट पर प्रतिशत जो है अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 12% यहाँ पर मतदान हो चुका है। हालांकि धीमा ज़रूर है, मगर ये जो आंकड़ा है परसेंटेज का ये बढ़ेगा क्योंकि अभी वोटिंग की जो है लगातार जारी है। 11 निकाय जिले में 11 निकाय हैं, वहाँ पर सभी में जो है मतदान जारी है, जिसमें स्वार जो है वो बड़ा जो है फ्रेम में है क्योंकि यहाँ से जो है किसी की शाख दाव पे लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफ़ान अहमद, क्यू टी वी, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।